बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार न केवल अपनी शानदार अभिनय के लिए बल्कि अपने मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। अक्षय इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतु की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और लुब्रोचा भी प्रमुख भूमिकाओं में मौजूद हैं। मंगलवार को अक्षय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जैकलिन फर्नांडिस का एक मजेदार वीडियो साझा किया है, जिसमें अभिनेत्री शूटिंग के लिए जाते समय हेलीकॉप्टर में एक जुगाड़ से अपने बालों को कर्ल करती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि वीडियो शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा है कि सभी महिलाओं के लिए जैकलिन फर्नांडिस का जुगाड़ हेलीकॉप्टर पर बैठे बैठे कैसे बालों को कर्ल करें। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जैकलिन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अक्षय के साथ कुछ मजेदार वीडियो भी शेयर किए हैं। फिल्म राम सेतु में अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित और अरुण भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित फिल्म है। फिल्म के मुहूर्त की शूटिंग अयोध्या में हुई है। कलाकार राम जन्मभूमि मंदिर पर गए, जहां उन्होंने आधिकारिक रूप से शूटिंग शुरू करने से पहले पूजा की। आपको ये भी बताते चलें कि जैकलिन हाल ही में दुबई वेकेशन से लौटी हैं। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम से अपने वेकेशन की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। जैकलिन फर्नांडिस सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और अपनी वीडियो शेयर करती रहती हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हैं। जैकलिन आने वाले समय में बच्चन पांडे में नजर आएंगी और इसके साथ ही वो अटैक में भी नजर आएंगे। फिल्म बच्चन पांडे में जैकलिन एक बार फिर अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी। बच्चन पांडे में कीर्ति सेनन भी शामिल है। यह फिल्म फरहाद शामजी द्वारा निर्देशित है। किक टू में जैकलिन सलमान खान के साथ नजर आएंगे। साथ ही साथ सर्कस में जैकलिन रणवीर के साथ नजर आने वाली है। इस फिल्म में पूजा हेगड़े और वरुण शर्मा भी अहम भूमिका में हैं। फिल्म अटैक 2022 में गणतंत्र दिवस पर रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। लक्ष्यराज आनंद द्वारा निर्देशित और जॉन अब्राहम और रकुल प्रीत सिंह अभिनीत फिल्म मूल रूप से 14 अगस्त 2020 को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म के रिलीज में समय लगा। आपको बताते चलें कि जैकलिन फर्नांडिस विक्रांत रोना से कन्नड़ फिल्म में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। फिल्म में वह किच्छा सोना के साथ नजर आएंगे। विक्रांत रोना एक बहुभाषीय 3D फिल्म है। यह फिल्म 14 भाषाओं में 55 देशों में रिलीज होगी। यह फिल्म अनूप भंडारी द्वारा निर्मित है और इसका संगीत अजनीश लोकनाथ ने दिया है। तो आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फिर किस बात की, जल्दी करिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।